मेरा नाम तारिक अली मीर है, मैं मैनेजिंग एडिटर हूँ कश्मीर नरेटर का। अचानक पुलिस की रेड होती है और उसे गिरफ्तार किया जाता है, और रेड भी कोई मामूली रेड नहीं थी, कम से कम 20-25 गाड़ियाँ थी पुलिस की, पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया। और शुरू शुरू में हमें लगा कि शायद कोई, मतलब क्योंकि कन्फ्लिक्ट एरिया है, कुछ भी हो सकता है, पर्सनल एफिलेशन किसी की भी कहीं भी हो सकती है, तो हमें लगा शायद कि कोई बहुत बड़ा इशू होगा, कोई बहुत बड़ा मामला होगा, और पुलिस विल कम विद एविडेंस इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक्सप्लेन करेगी। लेकिन तब से अब तक ऑलमोस्ट अब 10 महीने होने को है। जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है उसकी एविडेंस टेलीफोन उनके पास है, लैपटॉप उनके पास है, यानी किसी भी एक चीज़ को वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए। मतलब इंस्टीट्यूट्स जो हैं इससे डिस्क्रेडिट होते हैं। आप मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? अगर है कुछ तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। कोई एविडेंस नहीं था, तो जब उनके पास कोई एविडेंस नहीं था तो उन्होंने हमारे घर पे ऐसे रेड क्यों किया, वो भी इतनी रात को, 60 आर्मी आए यहाँ पर, जब उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था, तो हाउ कैन दे रेड आवर हाउस लाइक दिस विदाउट अरेस्ट वारंट? ही वॉज इनोसेंट। और ये बात भी है कि खाली स्टोरी, उन्होंने स्टोरी लिखी लेकिन इसमें सारा स्टाफ इन्वॉल्व है, तो उन्हीं को क्यों पिन पॉइंट किया गया? तो उसने एक कहानी लिखी राइजा बुरहान, उसमें ये हो गया कि उसने जो ही वो स्टोरी लिखा तो पुलिस के फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए कि आपने ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, कॉल आने लगे। उसकी एडिटर को भी फ़ोन कॉल आने, तो उन्होंने कहा कि इसको हमारे पास ले आओ, इज अ जर्नलिस्ट, इसका कसूर कुछ नहीं है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया, अगर उसने किया तो वो एक टीम वर्क होती है, तो उसी को पनिश क्यों किया जाता है? वो तो टीम वर्क है, जो उसको ऑफिसर एडिटर बताता है तो आप उसके पास स्टोरी दे, उसने लिखी स्टोरी। और 10 महीने हो गए, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, बस मेरी यही अपील है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसी रिपोर्टर ने, यही रिपोर्टर इसी मैगजीन में 3 महीने पहले मेजर कर्नल पुरुषोत्तम, जो कि पीआरओ था, जो जर्नलिस्ट को बचाते बचाते एक सुसाइड अटैक में मारा जाता है, पहली मर्तबा उसका प्रोफाइल किसी लोकल मैगज़ीन में हुआ है, यही रिपोर्टर करता है। यानी इसका मतलब है कि जो कंटेंट आपको लगता है कि आपके हक में है, तो तब ये एक जर्नलिस्ट होता है, और जब ये उसका दूसरा पहलू दिखाता है तो उस वक्त ये जो है ये एक मिलिटेंट होता है, टेररिस्ट होता है। यानी इट मीन्स कि आप इस प्रोफेशन को भी अपने लाइन पे चलाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप इसको एक सरकारी डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। ये तो पूरे जिसको आप फोर्थ फ्लोर ऑफ स्टेट कहते हैं उस पर जर्ब है।